I think I answered. Good morning, student. This is the demonstration to determine the DC voltage by using CRO. Okay. सबसे पहले तो हम CRO क्या होता है उसका फंक्शन जान लेते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेटा CRO, ठीक है। ये होता है CRO। CRO में ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट को एडजस्ट करने के लिए ये देखो यहाँ पे Y पोजीशन और यहाँ पे X पोजीशन दी है ना। ये देखो यहाँ पे X पोजीशन, यहाँ पे Y पोजीशन, यहाँ पे X पोजीशन दी है। अब मैं जैसे Y पोजीशन को अगर मैं फ्लक्चुएट करता हूं तो देखो अलॉन्ग द वाई एक्सिस स्पॉट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और एक्स एक्सिस को अगर फ्लक्चुएट करता हो तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मूव हो रहा है वो स्पॉट, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट अलॉन्ग द वाई एक्सिस इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास है बैटरी सोर्स, डीसी पावर बैटरी सोर्स, ओके। अब उस ये जिस तरह आपको डायग्राम बताई गई, ये उसी तरह से ये कनेक्शन किया गया है। ये बैटरी सोर्स, ये है आपका रियोस्टेट, ये है डीसी वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 2 वोल्ट, ठीक है। इसकी रेंज कितनी बेटा, 2 वोल्ट तक इसकी रेंज है, ठीक है। अब डायग्राम में दिखाए सामान सबसे पहले हमें क्या कर देना है कि ये जो सीआरओ का जो कनेक्शन है, पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस, ठीक है, उसे सबसे पहले डिस्कनेक्ट करके रखना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद में सबसे पहले आपको एडजस्ट करना है कि ये जो स्पॉट है, ये जो ब्राइट स्पॉट है, ये आपका सेंटर में होना चाहिए, ओरिजिन में होना चाहिए। जैसे ये सेंटर, अगर मान लो कि ये कहीं ऊपर या नीचे आ जाता है, ठीक है, तो आपको बराबर इसे सेंटर में लाना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द एक्स एक्सिस एक्स पोजिशन एंड वाई पोजिशन, ओके। अब ये सेंटर में है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो देखो बेटा हमने क्या किए कि सीआरओ का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और सीआरओ का नेगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले क्या लेना है, एज पर द ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल के अनुसार आपको क्या कर देना है, सबसे पहले वोल्टेज सेट कर देना है 0.5, 1.0, 1.5 और 2 वोल्टेज, ठीक है। ये 4 वोल्टेज के लिए आपको स्टडी करना है। फिर उसके बाद में अलोंग द जब आपकी अपर वाई प्लेट पॉजिटिव हो, मतलब जो कनेक्शन है वो कनेक्शन की बात कर रहे हैं D1। अब यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 0.5 यहां से अप्लाई कर देना है। देखो यहां पे 0.5 मिलेगा आपको रियोस्टेट को एडजस्ट करने से आपको क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। रियोस्टेट को एडजस्ट करने से आपको क्या मिलेगा, वोल्टमीटर में 0.5, देखो वोल्टमीटर में 0.5 मिला। और सीआरओ में क्या हुआ, ये जो पॉइंट था, जो सेंटर पे स्पॉट था, वो सेंटर से D1 इतने डिस्टेंस पे इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर से या तो ट्रेस पेपर से इस डिस्टेंस को मेजर करना है और इसका D1 नाम देकर यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले नंबर पे लिख देना है। इसी तरह से हमें फिर वोल्टमीटर में 1 वोल्टेज इंक्रीज कर देना है वोल्ट बाय यूजिंग द रियोस्टेट, ठीक है, 1 वोल्ट तक बढ़ाना है। उसके बाद में देखो अगेन ये स्पॉट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब अपर डायरेक्शन में ट्रेवल हुआ। अब इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पॉट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होते रहेगा, ठीक है। इसी समान अब हमें सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, बहुत ही आसान है। जहां पर तुमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाए थे सीआरओ का, वहां पे तुम्हें अब नेगेटिव टर्मिनल लगाना है, और नेगेटिव टर्मिनल जहां लगाए थे वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है। इसका मीनिंग ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का एक्सचेंज करना है। तो अब क्या होगा, जो स्पॉट था अब वो सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। उसी तरह से सेम 0.5 के लिए, ठीक है, 0.5 के लिए, 1 वोल्ट के लिए, 1.5 वोल्ट के लिए और 2 वोल्ट के लिए हमें ऐसे चार रीडिंग लेनी है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। फिर उसके बाद में आपको निकालना है इसका ग्राफ। अब क्या कर देना है, ये हुआ इस एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में अब क्या है, डायरेक्ट ये जो बैटरी सोर्स है, इस बैटरी सोर्स को रिमूव करके ये आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को ये ज्वाइंट कर देना है। और हमें फिर से ट्रेस पेपर से ये ग्राफ
ये ग्राफ, हाँ सॉरी, ये ऐसा नहीं, ये यहाँ पे डायरेक्ट हमें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ये सीआरओ पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और हमें अगेन ट्रेस पेपर से ये डिस्टेंस, मतलब ये सेंटर से ये अपवर्ड कितना डिस्टेंस हुआ है ये मेजर करना है, एक बार पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव लगाने के बाद, और दूसरी बार एक्सचेंज पोलैरिटी एक्सचेंज करने के बाद, पोलैरिटी एक्सचेंज करने के बाद, ठीक है। तो पोलैरिटी एक्सचेंज कर दिया तो डाउनवर्ड जाएगा, फिर आपको एज पर फॉर्मूला, ठीक है, फिर ग्राफ का जो ग्राफ निकालोगे ना पहले पार्ट में से, ठीक है, पहले पार्ट के ऑब्जर्वेशन में से जो आप ग्राफ निकालोगे उस ग्राफ के बेस पे आपको स्लोप निकालना है, और स्लोप के वैल्यू को, जो भी स्लोप की वैल्यू होगी उस स्लोप के वैल्यू को, ये जो डिस्टेंस है डी वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाय टू, इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इस बैटरी का अननोन वोल्टेज मिल जाएगा। यही हमारे एक्सपेरिमेंट का एम था कि इस बैटरी का अननोन वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सीआरओ, ठीक है बेटा।